विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा योजना आयुष्मान भारत के तहत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में टीबी से जुड़ी सेवाओं में निरंतर वृद्धि हुई है। केंद्र और राज्य सरकार के प्रयासों के परिणाम स्वरूप टीबी के इंसिडेंस में कमी आई है। इस बीमारी की रोकथाम और इलाज की सुविधा सरकार द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। कुछ मरीजों या समुदायों ने इस बीमारी से जुड़ी हीन भावना देखी जाती है तथा ये इस बीमारी को लांछन समझते हैं। इस भ्रम को भी दूर करना होगा। सबको ये जानकारी होनी चाहिए कि टीबी के कीटाणु प्रायः सभी के शरीर में होते हैं। जब किसी व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता किसी कारण से कम हो जाती है तब ये बीमारी उस व्यक्ति को अपनी चपेट में ले लेती है। इलाज करने से इस बीमारी से अवश्य मुक्ति मिल जाती है। ये सारी बातें जन जन तक पहुंचनी चाहिए तब टीबी से प्रभावित सभी लोग इलाज की सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे। इस बीमारी से बचने के उपाय भी लोगों को मालूम होनी चाहिए। टीबी प्रिवेंशन प्रोग्राम को निकट भविष्य में आरंभ किया जा रहा है। ये कार्यक्रम एक सुरक्षा कवच प्रदान करेगी। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर की सोच पर आधारित ये प्रोग्राम टीबी उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने में मुझे बहुत उपयोग सिद्ध होगा। मुझे बताया गया है कि हाल ही में टीबी स्क्रीनिंग तथा जागरूकता हेतु डोर टू डोर आश्वासन अभियान संपन्न किया गया है। इस अभियान में जनजातीय समुदाय के नेताओं, पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों और युवाओं की मदद ली गई है। इस 100 दिन के अभियान द्वारा जनजातीय बहुल आबादी वाले 68,000 से अधिक गांवों में लगभग 10,000 टीबी के मरीजों तक पहुंचना संभव हुआ है। बहनों और भाइयों, हम सबको ये संकल्प लेना चाहिए कि युद्ध स्तर पर कार्य करते हुए टीबी उन्मूलन से जुड़ी सभी लोग वर्ष 2025 तक प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे। मैं अपने हृदय की कामना को अपने देश की प्राचीन और लोकप्रिय प्रार्थना के रूप में व्यक्त करते हुए यही कहूँगी कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, अर्थात सभी लोग सुखी रहें, सभी लोग रोग मुक्त रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।